अभी जो आज की वीडियो है ये है एलेंट्रा, जिनके पास 2013 का एलेंट्रा मॉडल है। तो हमने इसमें ऑटो फोल्डिंग मिरर लगाया है। अब रिमोट से अनलॉक और लॉक करने के बाद मिरर फोल्ड कर सकते हो। तो ये इसकी वायरिंग है और ये इसका कपलर टू कपलर सॉकेट है और एक इसका मॉड्यूल है। इसका दिखा दो मैं आपको, ये वाला जो मॉड्यूल है ये रहा, ये इसका ऑपरेटिंग मॉड्यूल है जो से ऑपरेट करता सिस्टम को। और इसका कपलर टू कपलर सॉकेट है। ये कोई वायरिंग गाड़ी की ओरिजिनल नहीं करती, जिससे गाड़ी की कोई वारंटी वॉइड हो। ठीक है, वैसे 2013 का मॉडल है तो वायरिंग हम वैसे भी निकालते हैं, चाहे पुरानी हो नहीं हो। ठीक है, तो अभी आपको दिखाते हैं हम किस तरीके से इसे फिट करेंगे। ये इसका रिले मॉड्यूल है जो इसको ऑपरेट करता है, रिले मैन जो सर्किट होता है इसका। ये है ऑटो फोल्डिंग मिरर का डिवाइस, इसके बिना तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि ये सीधा माइंड का काम करता है, समझ लो। जैसे हम अभी से प्लग एंड प्ले फिट करते हैं और पुश करने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से इसकी वायरिंग कर लेंगे हम। ये इसकी ब्लू जो वायर है ये आपकी लॉक की है और जो ग्रीन वायर है ये अनलॉक की है। ठीक है, और जो कंपनी का जो ओरिजिनल जो आता है वायर, ये है आपकी ग्रे, लाइट ग्रे और वाइट वाली है। ये जो लाइट ग्रे जो वायर थी इसके ऊपर की, इसमें ब्लू वायर जुड़ती है लॉक की। ठीक है, तो इसे हम स्कॉच लॉक के साथ फिट करते हैं प्लास से दबा के, जिससे आपकी गाड़ी कोई वारंटी वारंटी नहीं करती। आपने देखा होगा इसमें टेप पे कोई वायर नहीं छिली हमने, सिर्फ इसे पुश करके दबा रहे हैं और आपका ये स्कॉच लॉक के साथ फिट हो गया। और ये ग्रीन तार है, ग्रीन तार वाइट में जुड़ती है, हुंडई के जो ओरिजिनल आती है लॉक अनलॉक की, ये अनलॉक की थी। अभी हम चेक कर लेते हैं इसे कि इसका वर्क कर रहा नहीं कर रहा। देखो ये वर्क करने लग गया अभी। ठीक है, और ये आपका अनलॉक हो गया। अभी अनलॉक पे दिखाता हूँ मैं आपको, काम कर रहा नहीं कर रहा। देखो अनलॉक पे भी काम कर रहा है। ठीक है, और दिखाता हूँ आपको इसकी फिटमेंट कैसे होने वाली है अभी लास्ट। ये देखो स्कॉच लॉक से हमने दबा दिया, ऐसे कोई वायरिंग वायरिंग कटी नहीं आपकी और ना ही कोई इसमें टेप वेप लगाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, और कंपनी टाइप का ही फिटमेंट हुआ है। अक्सर मार्केट भी करा तो तब भी ऐसे फिट होगा और शोरूम से कराओगे तब भी फिट होता है। वैसे बताया तो एलेंट्रा में हर कोई लगाता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर किसी के पास इसका आउट ऑफ ऑर्डर रिले नहीं होता। तो ये इसका कपलर टू कपलर जैक ये था जो हम आप इसमें लगाएंगे, सीज बन के जो वायर निकलती है। तो अभी हम इसे फिट कर देते हैं इसमें, फिर आपको दिखाते हैं कि इसका एक कि किस तरीके से अभी काम करेगा। ये हो गया हमारा फिट। तो ये इसकी रिले, हम इसे पावर विंडो के नीचे की साइड लगाएंगे, जिससे आप गाड़ी का कोई भी सर्विस सर्विस करते हैं अब तो पानी वानी ना जाए। ठीक है, ये देखो इस तरीके से फिट होगा। और ये देखो चेक करके दिखाता हूँ, फोल्ड होगा अभी, ये फोल्ड हुआ। तो फाइनल दिखाते हैं हम आपको फाइनल फिट होने के बाद। ये देखो हमारी चालू हो गई ऑटो फोल्डिंग मिरर, रिमोट से अभी हम अनलॉक करेंगे इसे, फिर से अब इसे हम लॉक करेंगे। अब एक बार और अनलॉक करेंगे, फाइनल चेक हो गया हमारा ये। तो ये थी एलेंट्रा गाड़ी ह्यूंडई की 2013। पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये है ह्यूंडई एलेंट्रा 2013 का मॉडल। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और ये है मेरा यूट्यूब खुद का चैनल नंबर वन ऑटो वर्ल्ड 7000।